नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 21वां अध्याय, तो जो कि इस प्रकार से है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हरि कहने लगे, हे नारद, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु ही रहती है। तदिष्णु, ऐसे पुरुषोत्तम के बीज से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे, इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाए, इस प्रकार प्रतिमा के देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र पढ़े, इस प्रकार प्राणों की प्रतिमा में रखकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस प्रकार कहें, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन श्री राधा कृष्ण को अर्पण करता हूँ। गंगादिक सब तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ यह सुख से स्पर्श करने योग्य है, भगवान पाद्य के लिए ग्रहण करो। ऐसा कहकर पाद्य देवें श्री गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करें। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करें, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर आचमन दे। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं यह दो पीतांबर भेंट कर रहा हूँ। इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन कराएं। हे नारद, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर अंगोछा सहित यह यज्ञोपवीत ग्रहण करें। ऐसा कहकर यज्ञोपवीत अर्पण करें। हे श्रेष्ठ, सुगंधि युक्त मनोहर दिव्य चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगाएं। हे पुरुषोत्तम, शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर अक्षत चढ़ाएं। इस प्रकार के शब्द आदि 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करें, फिर पुष्प आदि ले हर एक एक वस्तु से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। तो ये था 21वां अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आया होगा। तो अध्याय को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसे ज़रूर टैप करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।